नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे कि किसी की मदद क्यों लेनी चाहिए। इतना सारा काम हम करते हैं, उस काम का बोझ हल्का करने के लिए किसी की मदद लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? हम मदद मांगने से क्यों बचते हैं? मदद मांगना हमें इतना असहज महसूस कर देता है कि हम अक्सर चुप रहना पसंद करते हैं या सब कुछ खुद ही करने की कोशिश करते हैं। समय के साथ पर्याप्त समर्थन के बिना एक भारी भार ले जाने से हम अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। बहुत अधिक मांग और हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं होने के कारण, या फिर पुराने तनाव से होने वाली थकावट के कारण, हम किसी से मदद लेना ही नहीं चाहते और मदद मांगना असुविधाजनक भी हो सकता है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कौशल्य है। यह बहुत आवश्यक है, व्यावहारिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान कर सकता है और आपके अंदर का जो बोझ है इससे भी आपको बचा सकता है। अब बात यह है कि हम क्यों नहीं किसी को मदद के लिए पूछते? तो इसलिए मदद मांगने के बारे में अपनी धारणाओं की जांच करें। नकारात्मक संगति, जैसे आप मदद मांगने को हैंडआउट लेने के नकारात्मक दृष्टिकोण से जोड़ सकते हैं, या सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति आलसी है, यदि वह खुद ही कुछ कर नहीं सकता तो वह हमारी मदद क्या करेगा, या ऐसे सोचना कि हम खुद की आलोचना कर रहे हो तो फिर अगले वाले से मदद कैसे ले, या फिर इस बात की चिंता कि आपको वो कैसे समझेगा अगर आपने उससे मदद मांगी ली, या फिर अस्वीकृति की संभावना, या फिर खुद को कम आंकना। बात ऐसी है कि लोग आपके एहसास की तुलना में मदद करने के लिए बहुत अधिक इच्छुक है, बस पूछने का निर्णय ले। मदद के लिए पूछने के दीर्घकालीन लाभ किसी भी अल्पकालीन लागत से अधिक होते हैं। मदद लेने के लिए सही व्यक्ति चुने। इस बारे में सोचे कि आपकी मदद करने के लिए कौशल्य, क्षमता और ज्ञान किसके पास है। हाँ, और एक बात यह भी है कि मदद के लिए पूछने का सबसे अच्छा समय कब है। मदद के लिए पूछे कब? जब बेचैनी हो। ऐसे वक्त में भावनाओं को कंट्रोल करें, अपने साहस को जगाए और पूछे। कम्युनिकेशन स्किल का उपयोग करें और खुले, प्रत्यक्ष और सम्मानपूर्ण बने। इस दुनिया में मदद और समर्थन की संस्कृति बनाना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक टीम संस्कृति को बढ़ावा देकर, जिसमें सहायता देना और प्राप्त करना दोनों ही सामान्य है, हम आवश्यकता पड़ने पर सहायता मांगने में अधिक सहज महसूस कर सकते हैं। समर्थन की पेशकश के समय के साथ आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में सामाजिक पूंजी का निर्माण करती है, और जब आप दूसरों का समर्थन करते हैं तो आवश्यकता पड़ने पर आपको सहायता प्राप्त होने की अधिक संभावना होती है। निराशाजनक परिस्थितियों में ना रहे, इससे बाहर निकले, और इससे बाहर निकलने के लिए मदद की मांग जरूर करें, वो भी ऐसे लोगों से जो आपके करीबी हो, जो आपको समझते हो, जो आपकी कद्र करते हो। ऐसे लोगों से मदद जरूर ले। मदद लेने से कभी कभी ना हिचकिचाए। तो आपको आज की यह जानकारी कैसी लगी दोस्तों, जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना और आगे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।